सो दिस विल बी अवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन। तो पहले वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, देखो, और ट्राई क्वेश्चन जरूर करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे क्वेश्चन से तुम्हारे वो फॉर्मूला एक्सपेंशन से ना वो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। सो डोंट थिंक अरे तो इसमें बहुत ईजी है, रख लेंगे, आसान तो होगा ही क्वेश्चन अभी जो मैं करा रहा हूँ शुरू के, आखिरी में लेवल हमारा बढ़ेगा। बट वॉट आई विल सजेस्ट कि तुम लोग हर एक क्वेश्चन करो जो मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ओरली नहीं करना है क्योंकि याद हो जाएगा तुम्हें एक्सपेंशन, ठीक है। चलो तो क्या करें, डेफिनेटली कॉस एक्स का एक्सपेंशन लगाएंगे। तो देखो इधर भी वही चीज एप्लीकेबल होती है, जैसे आप याद है जब हमने एक्सपेंशन पढ़ा था बाइनोमियल, तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने क्या लिखा था, हम कहां तक एक्सपेंड करते हैं, टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, सेम रूल अप्लाई हियर आल्सो। लिख तो हम कितना भी सकते हैं, एक तो पहली बात कि हम ज्यादा लिख सकते हैं, कम अलाउ नहीं है, प्लस दूसरी बात कहां तक लिखेंगे, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। इफ यू वॉन्ट टू राइट इट एज अ नोट ऑल्सो यू कैन पुट इट हियर, ठीक है ना, बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग यू कैन नोट इट देयर ऑल्सो कि हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे, टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, ठीक है बच्चों। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं, तो मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब देखो अगर इतना लिखा मैंने, इतना लिखा तो देखो ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों, इसका मतलब मुझे एक और जरूरत पड़ेगी। दूसरा टर्म क्या आता है, प्लस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब रुक सकते हैं हम, द रीजन इज ये टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है तो वी कैन पॉज इट हियर, ठीक है। तो अब मैंने लिखा दिस अपॉन x की पावर 4, तो देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, तो यार लेफ्ट आउट विद x की पावर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या बचेगा 1/24, और विद अ नेगेटिव साइन, डोंट फॉरगेट टू पुट माइनस बिकॉज़ ये माइनस है, क्लियर है, समझ में आया बच्चों। चलो अच्छा अब मैंने बोला तुम्हें, चलो इसी में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में, मैंने बोला इंस्टेड ऑफ x की पावर 4 इसी क्वेश्चन में तुम x क्यूब के लिए भी लिख लो, मैं इधर इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, तुम लोग ऐसे सेपरेट क्वेश्चन लिख लो, मान लो एक्स क्यूब दिया होता, देन व्हाट वुड बी माय आंसर। तो अभी देखो क्या बचता, ये तो कैंसिल हो ही रहे दोनों टर्म्स, फिर हमारा बचता ऊपर माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, और नीचे बचता एक्स क्यूब, तो क्या बचता, ये क्यूब से कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स बाय 4 फैक्टोरियल आ रहा है, एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो ये मेरा कहां जाएगा, जीरो, देन आंसर वुड बी जीरो, क्लियर है बच्चों। अच्छा एक और चीज, अब एक काम करते हैं हम, अब मैं थोड़ा सा और इसमें चेंज कर देता हूं, इंस्टेड ऑफ, लेकिन वो कैंसिल हो रहा है लकीली, चलो इतना काफी है इस वेरिएशन में, और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। चलो तो पहले कॉपी कर लो, पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द लेवल। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, देखो इस टाइप का भी हमने किया था, साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक्जैक्टली सेम ही किया था, इस टाइप का नहीं, एक्जैक्टली यही क्वेश्चन था, बट इधर हमने एक्सपेंशन से करने वाले हैं। उधर क्या किया था हमने, पहले साइन एक्स कॉमन लिया, उस साइन को एक एक्स दे दिया तो स्टैंडर्ड लिमिट से 1 हो गया, फिर इधर क्या बनेगा, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस कॉस एक्स, वो एक्स स्क्वायर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, हाफ बना देगा, समझ में आया। अब हम इसको एक्सपेंशन से करते हैं, देखो क्या लिख रहा है, साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया मेरा 6, प्लस एक आध टर्म और लिख ली, देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है 5 फैक्टोरियल विच इज 120 एंड सो ऑन माइनस, और सुनो देखो एक बात और, जैसे एक्स क्यूब है ना, और अगर फाइनाइट है इसका आंसर अगर आ रहा है तो हमारा पक्का एक्स क्यूब तक ही चल जाएगा काम, बट अगेन अगर मान लो इसका हमें बोला लिमिट निकालो, फिर हम इधर ऐसा नहीं लिखेंगे कि इधर एक्स क्यूब है तो ऊपर भी एक्स क्यूब तक एक्सटेंड करें, नहीं ना, हो सकता है वो कैंसिल हो रहा हो, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इसको तो टेन एक्स को लिखा हूं मैं, टेन एक्स का मैंने क्या बोला था, मेमोराइज फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, मेमोराइज फर्स्ट 3 टर्म, तो क्या आता था, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5 बाय 15, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, अपॉन एक्स क्यूब, तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो इधर बचा माइनस एक्स क्यूब बाय 6, हियर इट इज एक्स क्यूब बाय 3, तो कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इस टर्म्स की जरूरत ही पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखें, देखो इधर से माइनस माइनस एक्स क्यूब बाय 6 और उधर से माइनस एक्स क्यूब बाय 3 होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट आउट विद माइनस 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 3 विच इज नथिंग बट माइनस 3 बाय 6 माइनस हाफ, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं,
हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये समझ लो, केवल मैं तुम्हें ये क्वेश्चन अभी इसलिए दे रहा हूं इजी, जिससे तुम्हें बस फॉर्मूले याद हो जाएंगे, वही टास्क के बाकी है तो बहुत सिंपल। अभी टफ क्वेश्चन आखिरी में आएंगे, ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा टफ, जैसा कि हर बार देते आ रहा हूं। हाँ तो ये क्या होगा, अगेन ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, कहां तक लिखेंगे, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। तो वैसे हमने लिखना चालू किया वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, फिर बढ़ते गए, लेकिन देखा वन माइनस एक्स लिखा है तो यही दो टर्म कैंसिल हो पाएंगी, ये तो हो नहीं पाएगी, तो इतना ही छोड़ दिया, माइनस वन माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, तो फाइनली क्या बचा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल विच इज वन बाय टू। क्लियर है, चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये शायद कल भी आया था हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, द सेम क्वेश्चन वी डिड इट यस्टरडे ऑल्सो, ठीक है, तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने एक्स माइनस, फिर साइन एक्स को क्या लिखूं, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, रुक गया, क्यों, क्योंकि यही एक्स कैंसिल होने वाला है, दिस इज द फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, तो यही रुक गया और नीचे एक्स क्यूब लिख लिया, तो ये एक्स से एक्स क्या माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो वी आर लेफ्ट आउट विद वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड दैट इज नथिंग बट वन बाय सिक्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, अच्छा इस क्वेश्चन को हम ना आगे चल के एक रूल आएगा नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगा, मोस्ट ऑफ द चांस है डिफरेंशिएशन से करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सेम क्वेश्चन उधर भी लूंगा मैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर, चलो मैं ले लेता हूं एक्स की पावर फोर लिया मैंने, चलो इसमें थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, तो देखो क्या आ रहा है, तो क्या करें, टेन एक्स को मैं लिख रहा हूं पहले एक्सपेंशन से, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस टू इंटू एक्स की पावर फाइव बाय फिफ्टीन डेट डेट डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर, तो ये एक्स तो एक्स कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म क्या है मेरी, एक्स क्यूब बाय थ्री, तो इसके बाद की ये टर्म्स तो सारी खराब है, यूज नहीं है, क्यों नहीं होती यूज, इफेक्टिव डिग्री के कारण, क्योंकि हायर एक्सपोनेंट क्या होते हैं, दे आर लेस इफेक्टिव। तो आंसर क्या आया मेरा इसके हिसाब से, वन अपॉन थ्री एक्स बचा, और अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे क्या हो जाएगा, इनफिनिटी, दैट इज डज नॉट एक्सिस्ट। ठीक है, तो मतलब इसमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वैसे मैं आज कराने भी वाला हूं, वो इधर पावर दे देगा, ऐसे दे देगा पावर एन, फिर बोला गया कि एन की वैल्यू क्या हो सच दैट लिमिट इज सम फाइनाइट नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। दोबारा एक बार क्या बोला, जैसे मान लो चलो इसी क्वेश्चन को लिख लिया, पहले तुमने वो लिख लिया, अब देखो मैं सेपरेट क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैंने बोला कि ये क्वेश्चन है मेरा, मैंने बोला वॉट इज द वैल्यू ऑफ एन, ऐसे लिख लो, चलो दिस इज इक्वल टू एल इफ एल इज फाइनाइट नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो, देन फाइंड स्मॉल एन, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं मेंस में। तो देखो अभी वाले कंसेप्ट से हो जाएगा, क्या करें, पहले तो हमने टेन एक्स को लिखा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री, अच्छा तो ये वाली एक्स इससे कैंसिल होगी, तो दिस इज फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, तो मेरा कम चल जाएगा यहां तक लिखने पे, तो मैं इतना ही टर्म लिख रहा हूं माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर एन, ये एक्स से एक्स कैंसिल हुआ। अब कुछ सोचो एन की वैल्यू क्या लू कि ये मेरा फाइनाइट आ जाए नॉन जीरो, तो पहले मैंने बोला कि एन की वैल्यू अगर थ्री ली तो दिख रहा है क्या आ रहा है मेरा वन बाय थ्री, तो एन इज इक्वल टू थ्री पे मेरा आ रहा है आंसर इज फाइनाइट नॉन जीरो, तो एन इज इक्वल टू थ्री इज द आंसर। बट मान लो एक मिनट के लिए मैं और कुछ लेता क्या होता मेरा, तो वैसे एक काम करो इसमें तीनों केसेस लिख दो, एक काम करो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, मैंने ऐसे केसेस बना रहा हूं थ्री के रिस्पेक्ट में, मैंने बोला था इफ एन इज लेस देन थ्री एन इज ग्रेटर देन थ्री और एन इक्वल टू थ्री, तीनों का आंसर लिखो तुम लोग क्या क्या होगा, इससे क्या बाकी चीजों भी और क्लियरिटी हो जाएगी, बहुत एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। एन अगर थ्री होगा तो दिख रहा है आंसर इज वन बाय थ्री, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एन इज इक्वल टू थ्री, बट बाकी दो में क्या होगा, देखो अगर एन की वैल्यू थ्री से कम हुई, एन की वैल्यू अगर थ्री से कम हुई तो लेट्स से टू हुई, तो क्या बचेगा एक्स ऊपर न्यूमरेटर में एक्स बचेगा, या फिर मैं वैसे बोल सकता हूं हायर अपॉन लोअर से, अगर एक्स टेंड्स टू जीरो होता है हायर अपॉन लोअर क्या होता है जीरो, सो दिस विल बी जीरो फॉर एन लेस देन थ्री, फॉर एन ग्रेटर देन थ्री ये क्या हो गया लोअर अपॉन हायर, एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या होता है लोअर अपॉन हायर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हुआ, तो ऐसे भी पूछ सकता है वो कि मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो,
So for n less than 3, for n greater than 3, it is does not exist. For n is equal to 3, this is finite non-zero. ठीक है ना, इसलिए मैंने इधर ये नॉन जीरो ही वर्ड यूज किया है. केवल फाइनाइट बोलता मैं, देन आंसर विल आंसर शुड बी क्या होता, फाइनाइट. एन इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो उसमें ये दोनों कवर हो जाते हैं, लेस देन 3 और इक्वल टू 3. बट मैंने फाइनाइट नॉन जीरो भी बोल दिया ना, इसलिए लेस देन 3 वाला खत्म. ओनली एन इज इक्वल टू 3 इज द आंसर फॉर दिस. आई होप क्लियर हो गया होगा. चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय x की पावर 4. निकालो चलो इसको, एक्सपेंशन. इससे तुम्हारा e की पावर x का रिवीजन हो जाएगा. एक्सपेंशन क्या था, मैं कर रहा हूं इधर 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, तो x 2 फैक्टोरियल 2, अच्छा प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल व्हिच इज 6. एक आठ टर्म और लिख लेते हैं, देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है बाद में. x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल व्हिच इज 24, डेट डैश लगा देता हूं क्योंकि अभी मुझे क्लियर पिक्चर दिख नहीं रही कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है. फिर मैंने लिखा प्लस e की पावर माइनस x, इसमें क्या करते हैं, x ये माइनस x लगते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल 24 एंड सो ऑन, डेट डेट डैश माइनस 2 माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4. चलो अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा. तो देखो ध्यान से, एक तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ, ये x ये माइनस x कैंसिल हुआ, x स्क्वायर बाय 2 और माइ और ये माइनस x नहीं नहीं प्लस ऐड हो रहा है क्या, एक मिनट, हाँ x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर और वो माइनस x स्क्वायर से कैंसिल. फिर x क्यूब बाय 6 और ये माइनस x क्यूब बाय 6 भी कैंसिल हो गया. तो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म क्या है, x की पावर 4. तो बस यहां तक चलेगा एक्सपेंशन. तो अब क्या करें, ये कितना हो गया 2 इंटू x की पावर 4 बाय 24 और डिनोमिनेटर पे x की पावर 4, तो ये कैंसिल हुआ, यू आर लेफ्ट आउट विद 1 बाय 12. दिस द आंसर. क्लियर है बच्चों? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं मैं. देखो लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 3 e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर 9 होल डिवाइड बाय साइन पाई x. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुका था बट अभी मैं एक्सपेंशन से बता रहा हूं. ठीक है, पहले कैसे किया था हमने, e की पावर 9 को कॉमन लेके इधर x स्क्वायर माइनस 9 बना था, वो समथिंग जीरो को जा रहा है तो e की पावर समथिंग कैन बी रिप्लेस विद इट्स आर्ग्यूमेंट, तो ऊपर आता है x स्क्वायर माइनस 9 और इसमें भी हमारा ये 3 पाई को जा रहा है तो इसमें से 3 पाई घटा देते हैं. ठीक है, लाइक दिस वे वी सॉल्व. अभी वैसे ही कुछ करेंगे थोड़ा बहुत बट एक्सपेंशन वाला पार्ट यूज करेंगे. तो मैंने क्या किया, e की पावर 9 कॉमन लिया, तो इधर मैंने e की पावर x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 अपॉन, अच्छा और अगेन इसको क्या लिखूं, साइन साइन पाई एक्स है. अब इसको पाई एक्स से तो रिप्लेस कर नहीं सकता बिकॉज अभी आर्ग्यूमेंट जीरो को नहीं जा रहा, कहां जा रहा है ये 3 पाई को, तो इसमें से 3 पाई घटा देते हैं, 3 पाई में से ये घटा देते हैं, साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस पाई एक्स, क्योंकि 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है. तो मैंने कहा अब साइन को रिमूव कर रहा हूं यूजिंग शॉर्टकट, साइन कैन बी रिप्लेस विद इट्स आर्ग्यूमेंट अगर आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है. अब देखो इसमें क्या किया, अभी हम डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं इतने पार्ट को एक्स स्क्वायर माइनस 9, बट ठीक है मुझे अब एक्सपेंशन से ही करना है. तो मैंने क्या किया, e की पावर समथिंग देखा, ये जो समथिंग है वो जीरो को जा रहा है तो मैं एक्सपेंशन लगा सकता हूं. ठीक है ना, एक्सपेंशन लगा सकता हूं, तो क्या हो गया, e की पावर 9 इंटू क्या होता है 1 प्लस e की पावर x होता तो x आता था, इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और डेट डेट डैश माइनस 1, तो ये 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओनली, जैसे पहले आता था वही चीज है बस, अपॉन इसमें से पाई कॉमन ले लिया तो होगा 3 माइनस एक्स. अब इसको एक्स प्लस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख देता हूं, मैं इधर ही कर रहा हूं चाहे तुम अलग लिखना, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ये कैंसिल हो गया माइनस 1 टाइम्स, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद एक्स कहा जा रहा है 3 को, तो 3 प्लस 3 6 माइनस 6 अपॉन पाई ई की पावर 9, दिस इज द आंसर फॉर दिस. ठीक है, तो जस्ट एक एक्सपेंशन बताना था कैसे भी लगा सकते हैं, बट एक्सपेंशन में जो भी एक्स है हमारे जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को जाना चाहिए. ठीक है ना,
चलो नेक्स्ट अब देखते हैं। मैंने लिखा लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो प्लस वन माइनस कॉस ऑफ रूट एक्स माइनस साइन ऑफ x बाय टू होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। करो एक बार ट्राई करो, मैं इसको करता हूं। तो देखो क्या करें, एक्सपेंशन लगाते हैं। तो वन माइनस कॉस के एक्सपेंशन कहां से स्टार्ट होता है, वन से। वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू होता था, बट एक्स स्क्वायर क्या था, इधर रूट एक्स है एक्स की जगह, तो रूट एक्स का स्क्वायर विच इज एक्स होल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल विच इज टू, प्लस एक्स की पावर फोर होता था, तो रूट एक्स की पावर फोर को क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल हमारा हो गया 24। ये टर्म्स आएंगे, डेट डैश डैश लगा दिया, अभी देखते हैं कितना टर्म कैंसिल होता है। माइनस अब x बाय टू, एक्स बाय टू साइन ऑफ x क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा x बाय टू, दिस इज x माइनस एक्स क्यूब, तो इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय एट डिवाइड एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा सिक्स एंड डेट 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 डैश अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो ये वन से ये वन कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस एक्स बाय टू, एक्स बाय टू और ये माइनस एक्स बाय टू कैंसिल, अच्छा ये एक्स स्क्वायर बाय फोर ट्वेंटी फोर कैंसिल नहीं हो रहा। हाँ तो देखो अब देखो इतना लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, तो मतलब यहां तक सफिशियंट है, और इसमें भी ये फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म है ये वाली, तो इधर तक सफिशियंट है, तो वी आर लेफ्ट आउट विद इधर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ट्वेंटी फोर और हमारा इधर बचेगा प्लस एक्स क्यूब बाय एट इंटू सिक्स फोर्टी एट, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो यहां 48 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो अब देख रहे हैं ऊपर ये डोमिनेटिंग है तो ये भी कैंसिल हुआ, अब क्या बचा हमारा लोअर अपॉन हायर, और एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा, डज नॉट एक्सिस्ट इन्फिनिटी ना, क्लियर है ना। ये ऐसे बोल दो एक्स स्क्वायर से ये एक्स क्यूब गया तो वन बाय एक्स बचा, एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या हो गया इन्फिनिटी, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इनवर्स के ऊपर, देखना ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स क्यूब, खुद सोचो एक बार वीडियो पॉज करके, देखने कितना दिमाग लगता है तुम्हारा, ठीक है। तो और मैं तो करवा ही रहा हूं हालांकि अभी तक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि देखो एक तरीका तो क्या एक्सपेंशन, बट टेन इनवर्स का एक्सपेंशन याद करना अपने आप में फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो आई विल नॉट प्रिफर दैट थिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या किया हमने, देखो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू, लेट से मैंने मान लिया y, ये थीटा मान लो जैसा तुम्हें लगे, तो इधर से मेरा x कितना आ गया tan ऑफ y, क्लियर है ना। अब तो मेरा नया लिमिटिंग वेरिएबल क्या हो गया, y, y टेंड्स टू क्या होगा, अगर x जीरो को जा रहा है तो tan इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो, तो y जीरो, अच्छा x क्या हो गया मेरा इधर tan y माइनस tan इनवर्स x क्या हो गया y अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब क्या हो गया मेरा टेन वाई का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा तो अब एक्सपेंशन लगा लेते हैं, देखो टेन वाई टेन क्यूब वाई को तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, टेन वाई टेन वाई टेन वाई, तीन बार, और तीनों प्रोडक्ट फॉर्म है, तो और वाई जीरो को जा रहा है तो ईच वन कैन बी रिप्लेस विद इट्स आर्ग्यूमेंट, तो मैं सबको वाई वाई लिखूंगा तो दिस विल बी वाई क्यूब शॉर्टकट से, और टेन वाई को मैं लिख रहा हूं, क्या बताया था, तीन टर्म्स मैंने बोला था याद रखना, तो इसमें दो पे काम चल जाएगा, क्या था, एक तो y प्लस y क्यूब बाय थ्री, वैसे एक और क्या आता था फाइव का, टू इंटू वाई की पावर फाइव बाय फिफ्टीन, ठीक है ना, वो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो माइनस y अपॉन y क्यूब, तो फाइनली यू आर गेटिंग वन बाय थ्री, क्लियर हुआ। इसी रीजन से मैंने बोला था कि डू नॉट मेमोराइज एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स sin इनवर्स, सिमिलरली वो इधर sin की जगह sin भी दे सकता था, मतलब साइन इनवर्स दे देता टेन इनवर्स, तो फिर हम उधर क्या करते, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लेट्स से वाई, क्लियर है। और टेन और साइन वगैरह के तो हमने एक्सपेंशन सीखे, तो उसके बाद तो फिर सिंपल हो गया, क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो एक और सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, करो बस ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन काम आएगा, तो देखते हैं, तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल,
अच्छा अब एक मिनट के लिए रुक गया, क्या इतना सफिशियंट है? तो आंसर मिलेगा हाँ, क्योंकि ये वन और एक्स तो कैंसिल हो रहा है इससे, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो इतना लिखना काफी है अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय टू और नीचे एक्स स्क्वायर दिया है तो ये कैंसिल, ये लेफ्ट आउट विद हाफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, वन प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। चलो करो इसको करो, इससे क्या होगा तुम्हारे तीन तीन एक्सटेंशन रिकॉल हो जाएंगे तुम्हारे, साइन का, कॉस का और लॉग ऑफ वन माइनस एक्स का। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूं इसको, तुम लोग पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके, हर एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है पॉज करके। मैं बार बार वैसे याद दिलाता रहता हूं, बट फिर भी मैं नहीं भी बोलू ना तो भी बाय डिफॉल्ट इट मींस कि तुम्हें पॉज करके खुद से ट्राई करना ही है, तभी एक्सपेंशन याद होंगे। तो लिखते हैं चलो, वन प्लस साइन एक्स का एक्सपेंशन, तो एक्स वन से नहीं, एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स। चलो देख लेते हैं जरूरत कितनी पड़ती है, अभी डेट डैश लगा दिया। माइनस कॉस एक्स का वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल मतलब टू, फिर देखते हैं कितनी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम कंप्लीट कर लेंगे। प्लस फिर लॉग में, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स है, वन प्लस एक्स होता था तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, अब माइनस लगाऊंगा तो ऑड वाले के आगे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री एंड सो ऑन, सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये वन तो वन इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो रहा है, अच्छा होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब भी है, ठीक है। फिर मेरा अब देखो एक्स स्क्वायर बाय टू कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, तो एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू ये भी कैंसिल हो रहा है, अच्छा फिर एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं एक्स क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक्स क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा इसका मतलब हमारा नॉन जीरो फाइनाइट आ जाएगा आंसर। तो देखो इधर क्या आया, माइनस एक्स क्यूब बाय सिक्स, और इसमें तो ब्रैकेट में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि इसकी देखो, हाँ देखो कायदे से वैसे हमें इसमें एक और लिखना चाहिए, चलो लिख लेते हैं, पहले हम करते हैं, ये क्या था cos x का था, तो 1 minus x square by 2 plus x की पावर 4 by 4 factorial, हाँ कायदे से हमें ये लिखना चाहिए because इसके दोनों, ये दोनों cancel हो गए, this is the first non-cancel term, but use नहीं आएगा अभी क्योंकि x cube non-cancel हो रहा है ना पूरे numerator में, तो ये तो वैसे भी dominating के कारण cancel हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा बचा ये, इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा माइनस एक्स क्यूब बाय सिक्स होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब, अच्छा ये थ्री है तो ये लेफ्ट आउट इट माइनस वन बाय सिक्स माइनस वन बाय थ्री विच इज नथिंग बट माइनस हाफ। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइनस हाफ। याद रखना, वो दिमाग में बिठा लेना कि हमें कहां तक एक्सपेंड करना है, टिल फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो इसमें थोड़ा बाइनोमियल का एक्सपेंशन भी ऐड कर देता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e की पावर x प्लस लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लेना है इसमें, इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। करो एक बार पॉज करके, ठीक है पॉज करके एक बार खुद से करो। चलो मैं अब इसको बता रहा हूं, तो पहले तो एक्सपेंशन तो आज ही करें हमने, इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल चैप्टर में किया था, क्या होता है चलो एक बार साइड में लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन इज वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। हालांकि इस चैप्टर में भी किया था हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज इसका, ठीक है। तो इसको करो, तो ई की पावर एक्स क्या हो गया, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, देखते हैं कितनी जरूरत पड़ती है, इतना लिख लिया अभी तो। प्लस फिर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाय फोर एंड सो ऑन डेट डैश, अगेन देखेंगे कितना कैंसिल होता है बाद में, माइनस अब इसके एक्सपेंशन में आते हैं, तो वन प्लस एन एक्स, वन प्लस एन एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स है और एन की जगह माइनस टू, तो माइनस टू इंटू माइनस एक्स इज टू एक्स, तो वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, तो देखो एन इंटू एन माइनस वन क्या होगा मेरा, एन इज माइनस टू, एन एन माइनस वन इज माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टू से टू कैंसिल हो गया, तो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। वैसे बाइनोमियल में इसका हम एक्सपेंशन इसी का स्टैंडर्ड देखे थे,
ठीक है, देख चलो उसके लिए रिकॉल कर लेते, हमारा रिवाइज हो जाएगा। चार बताया था, एक तो मैंने बोला वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, एक वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन, एक वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू, और एक वन माइनस एक्स की पावर माइनस सॉरी हाँ माइनस टू। ये चार एक्सपेंशन मैंने बोले थे उधर मेमोराइज करने, जब हमने पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है ना, इंडेक्स हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो देखो इसमें क्या था हमारा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये था इधर सारे पॉजिटिव, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इधर मेरा क्या आता था यही वाली सीरीज आती थी, बट इधर प्लस है तो इधर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, मतलब वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और इधर सारे प्लस आ जाएंगे, तो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो हमारा थोड़ा सा बाइनोमियल का भी रिविजन हो गया, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो वही चीज लिखा है वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। चलो तो अब टर्म्स कैंसिल करना, पहले नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और फिर हम टर्म्स कैंसिल करना चालू करते हैं। तो ये वन माइनस वन खत्म, एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस टू एक्स संपला, ये एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फिनिश्ड। अब इधर एक्स क्यूब फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म हो गया बिल्कुल, तो यहां तक एक्सपेंशन ठीक है, ये भी फर्स्ट नॉन कैंसिल जहां तक ठीक है, तो ये वाला बर्बाद है अपना लिखना, ये गया खत्म। इधर बचा बस हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाय सिक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री, और इधर बचा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो अगेन ये भी कैंसिल हो जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में जब हम अगले स्टेप में लिखेंगे। तो फाइनली न्यूमरेटर में क्या बनेगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो आंसर इज माइनस थ्री। तो देखो इस क्वेश्चन से हमारा कितनी सारी चीज रिवाइज हो गई, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से हमारा बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई। चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आएगा थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, अब देखते कौन करेगा तुम में से, ठीक है, वीडियो पॉज करना और जरूर करना। अब मजेदार क्वेश्चन है, हालांकि इतना टफ भी नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अभी तक जो हम करते आ रहे हैं तो उससे काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और क्या होगा क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स माइनस ई अपॉन एक्स करो। पहले ये देख लो कौन सा फॉर्म है, पहले विच फॉर्म इट इज, फर्स्ट लुक इन टू दैट थिंग। तो देखो एक्स ये वाला मुझे पता है, ये तो हम स्टैंडर्ड पढ़े थे अभी, ये क्या है वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाय एक्स, अगर एक्स जीरो को जाता है तो ई को जाता है, तो ई माइनस ई जीरो को जा रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो जीरो को जा ही रहा है, ठीक है। अब तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो और मैं इसको अब डिस्कस कर रहा हूं, करना जरूर है इसको, ठीक है ना। चलो अब मैं लिख रहा हूं इसको, तो देखो अगेन मैंने जैसे बताया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स क्या करेंगे हम, इसको पहले लॉग की मदद से लिखेंगे। तो कैसे लिख सकता हूं मैं, ई की पावर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, फिर मैं इस वन बाय एक्स को आगे लेके आके इसके नीचे लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल, माइनस ई डिवाइडेड बाय एक्स। यही क्रिटिकल स्टेप था, मेन स्टेप सोचने वाला, कि हम 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब मैंने क्या बोला, अब हमें एक्सपेंशन से यूज करना है, एक्सपेंशन यूज करना है तो कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर में अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वन बाय एक्स तो है ही, और इधर लिखा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, तो उसका एक्सपेंशन पता है हमें क्या, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री एंड सो डेट डेट डैश, ये सब ई की पावर में लिखा है, माइनस ई अलग से इधर होल डिवाइडेड बाय एक्स। अब मैं इस एक्स को अंदर भेज रहा हूं, आई एम राइटिंग चेंजिंग इट इन दिस स्टेप ओनली, यू आर सपोज टू राइट इन द नेक्स्ट स्टेप। मैंने ये एक्स अंदर लेके जा रहा हूं, तो ये हो गया वन, इधर से एक एक्स गायब, इधर से एक एक्स गायब, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब देखना, अब मैंने क्या किया, इसमें से ई कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा मेरा ई कॉमन। अब देखो अंदर क्या बचेगा, लिख रहा हूं मैं इस वाले ई की पावर में, ये वाला वन तो चला जाएगा इस ई के कारण, ऊपर क्या बचा माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स। देखो सही लिखा है। अब ऐसे सोचो कि क्या लिखा है मेरा, ई की पावर ये समथिंग माइनस वन, अब मुझे पता है ई की पावर समथिंग माइनस वन कैन बी रिप्लेस विद समथिंग, कब, व्हेन दैट समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो। अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो मेरा जो ब्रैकेट में बनाया ब्लू ब्रैकेट में वो जीरो को जा रहा है, तो ई की पावर ए माइनस वन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा फाइनली ई, तो इधर लिखा है नीचे एक्स लिखा ही है, और इस पूरे को मैं इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय थ्री एंड सो ऑन। अब पता है डोमिनेटिंग के कंसेप्ट से
ये सब टर्म हट जाएंगे, केवल माइनस एक्स बाय टू बचेगा। तो फाइनली हमारा क्या बना, ई इंटू माइनस हाफ, दैट इज माइनस ई बाय टू। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन कुछ कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा मैं, पहले मैं एक उस टाइप का क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। देखो पहले लिखो इंटीजर, जो मैंने अभी इंटीजर वाला एक क्वेश्चन दिया था कि n की वैल्यू निकालो सच दैट लिमिट इज नॉन जीरो फाइनाइट, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो द इंटीजर इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos x माइनस वन इंटू cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इज डैश, ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, उसने बोल दिया फाइनाइट नॉन जीरो। तो चलो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो ये लिखा मैंने cos x माइनस वन, इस x की पावर n में से एक x स्क्वायर इसको दे दिया सो दैट ये स्टैंडर्ड लिमिट से खत्म हो जाए, तो x स्क्वायर इसको दे दिया, वी आर लेफ्ट आउट विद cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n माइनस टू। तो ये खत्म, मतलब कुछ कांस्टेंट है, मैं उस कांस्टेंट को भी नहीं लिख रहा हूं, उसका भी यूज नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। वैसे ये क्या होगा, माइनस हाफ, दिस इज माइनस हाफ, बट आई एम राइटिंग लेट्स से k1 लिखा है, मुझे मतलब नहीं, k1 इज ऑफ कोर्स नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, तो अब देखना इस पे काम करते हैं। तो अब मुझे एक्सपेंशन यूज करना है, तो cos x का एक्सपेंशन लगाते हैं। देखो विदाउट एक्सपेंशन भी ये सॉल्व हो जाएगा, वैसे तो विदाउट एक्सपेंशन ऑल्सो यू कैन सॉल्व। चलो इसको करते हैं दो मेथड से, मैंने बोला विदाउट एक्सपेंशन भी हो जाएगा, कैसे क्या करें, प्लस माइनस वन कर देते हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस एक्स माइनस वन माइनस ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे भी कर सकते हो, पूरा नहीं कर रहा हूं, तुम इसके बाद करना मेथड वन, फिर इसको सेपरेट कर देना, ठीक है ना। दूसरी चीज एक्सपेंशन से देखो, तुम्हें करना है वो, ठीक है ना, सेपरेट करके। अब मैं एक्सपेंशन से कैसे बोल रहा हूं, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, इधर लिख रहा हूं, चलो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल इज 24 एंड सो ऑन डेट डेट डैश माइनस वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स डेट डेट डैश, देखते हैं कहां तक जरूरत पड़ेगी, अपॉन एक्स की पावर एन माइनस टू। अब देखो ये पहला ये कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब मैंने बोला तुमको ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, तो ये वाले टर्म्स की तो जरूरत ही नहीं है, एंड सिमिलरली हियर फर्स्ट दिस एक्स इज नॉन कैंसिल, तो इन सब की भी जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें अगेन अलग स्टेप में लिखना है। अब मेरा क्या बचा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स, तो अगेन माइनस एक्स इज डोमिनेटिंग, तो ये कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में फाइनली क्या बचा हमारा, एक्स, और नीचे क्या बचा, एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, क्लियर है, विद सम कॉन्स्टेंट, ये ना वो कॉन्स्टेंट है k1 वगैरह, उससे मुझे मतलब नहीं है। अब मैंने बोला एन की वैल्यू क्या लूं कि ये नॉन जीरो फाइनाइट हो जाए, तो देखो मैंने बोला अगर एन को मैंने टू से कम लिया, टू से कम लिया, चलो एक काम करते पहले टू लेते हैं एग्जैक्ट, अगर टू ले लिया मैंने, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या बोला है, नॉन जीरो फाइनाइट इज अ फाइनाइट नॉन जीरो, तो कब होगा, जब नीचे नीचे भी एक्स लिया हो, फिर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक फाइनाइट नंबर हो जाएगा। अगर मान लो मैंने बोला कि एक्स अपॉन नीचे क्या लू एक्स की पावर फाइनाइट आ जाए, तो इधर एक्स होना चाहिए, डिग्री वन होना चाहिए डिनोमिनेटर की भी, तो एन माइनस टू दैट शुड बी इक्वल टू वन, ऐसा होने पर क्या होगा, x upon x बचेगा which is 1 finite non zero, तो n minus 2 1 है, तो n is equal to 3, n is equal to 3। तो देखा इसी टाइप का क्वेश्चन हमने उधर किया था, उधर हमने तीनों केसेस कर लिए थे, इधर भी अलग ही कर सकते हो, जैसे मैंने बोला n अगर 3 से बड़ा होगा तो क्या होगा, देखो चलो लिख लो n equal to 3 के लिए तो क्या होगा, finite non zero लिखना है तो लिख लो, ये तो लिखना ही है finite non zero, finite non zero। मैंने बोला अगर n greater than 3 होता तो देखो क्या होगा, n अगर ग्रेटर देन 3 होगा तो 3 से बड़ा मतलब 4 मान लिया, तो 4 माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो लोअर अपॉन हायर, x अगर 0 को जा रहा है मेरा इधर 0 को जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी डज नॉट एक्सिस्ट। n अगर लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 मतलब 1 ही बचा, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n मुझे इंटीजर लेना है, इंटीग्रल पावर, ठीक है ना, इंटीजर लेना है, तो क्या होगा,
ये x पर माइनस वन हो गया तो ऊपर जाके x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हायर अपॉन लोअर विच इज जीरो, और n इज इक्वल टू सॉरी लेस देन थ्री के लिए, लेस देन थ्री के लिए, और n इक्वल टू थ्री के लिए मेरा कितना है यही लिखा है मैंने, फाइनाइट नॉन जीरो। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर बाद में, मेरा एक बार पूरा लिमिट कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद फिर मैं मिक्स्ड एग्जांपल भी लूंगा थोड़े, वैसे ऑलमोस्ट हम सारे मिक्स्ड अभी ले ही रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि अभी मैं केवल टॉपिक जो पढ़ा रहा है उसी के ऊपर ले रहा है। हमारे एक ही क्वेश्चन में देखो देखा भी होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक्सपेंशन भी लग रहा था, कहीं हम स्टैंडर्ड लिमिट्स भी यूज कर रहे हैं बीच में, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन में हम काफी तरह के मेथड भी यूज कर रहे हैं। अब मैं दे देता हूं फाइनली तुम लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ तीन चार, सो दैट प्रैक्टिस होगा तुम लोगों का, और होमवर्क क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ठीक है ना, जो हमने किए क्लास में उससे अच्छे लेवल का है ऑफ कोर्स, जिससे तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स माइनस ई, अच्छा ये तो हो गया, हाँ नहीं ठीक है, माइनस ई प्लस वन बाय टू इंटू ई एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जो भी मैं होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूं उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एडवांस इवन, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू वन बाय ई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल पावर x, और ये ब्रैकेट क्लोज। दीज आर गुड लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना, ट्राई जरूर करना है तभी सीखोगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एस एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन इंटू एक्स माइनस वन इसका होल पावर वन अपॉन एन माइनस वन, ठीक है। तो इतना काफी है, ये तीन क्वेश्चन काफी है आज के लिए, दिस इज आवर होमवर्क क्वेश्चन। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है आज के लेक्चर में किसी भी मतलब कोई भी लेक्चर में, हालांकि जो भी डाउट है लिमिट्स में तुम बिल्कुल बिंदास पूछो, करना जरूर है। अगेन मैं देख रहा हूँ कि वही चार मतलब चार तो नहीं बोलूंगा छह सात लोग हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी तो आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, ठीक है ना। इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इतनी फैसिलिटी मिल रही है तुम लोगों को, उसका यूज करो, ठीक है ना। पर्सनल अटेंशन इतना मिल रहा है, कहीं बड़ी कोचिंगों में नहीं होता है, इतना फैसिलिटी है तुम्हारे पास कि तुम टीचर्स को कभी भी व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी भी शाम को दोपहर रात कभी भी, इतना फैसिलिटी कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है जो रोटरी तुम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। पूछना अपने जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स लोग जो बाहर जा रहे हैं बड़ी बड़ी कोचिंगों में, टीचर्स लोग नहीं रिस्पॉन्ड करते, आफ्टर 5 o'clock टीचर का मोबाइल स्विच ऑफ करता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मेक यूज ऑफ इट, और क्या बोलूंगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर चलो, फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।